हेलो बच्चों वेलकम बैक टू चैनल इजी वेज बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास की विज्ञान विषय की नंबर बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट उसके बाद बच्चों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट आज के हमारे वर्कशीट टाइटल बच्चों घास खाने वाले जंतुओं में पाचन यानी इन जंतुओं में कैसे पाचन होता है उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है यहाँ बच्चों हमें इन जंतुओं के बारे में बताया गया कि इनके पेट में रोमन नाम का एक अलग से ऑर्गन होता है जिसमें यह घास खाते वक्त जल्दी जल्दी इसे निकल लेते हैं और उसे रोमन में स्टोर करते हैं बाद में जब ये आराम से बैठते हैं तो रोमन से उस घास को वापस अपने मुंह में लाते हैं उसे चबाते हैं और अपने आमाशय में भेजते हैं जिससे वह जल्दी से पच जाती है इसके बाद बच्चों हमें कुछ और चीजें बताई गई हैं जिसके आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर पहला प्रश्न है रोमैन किसे कहते हैं तो इसका उत्तर आप लिखते हैं घास खाने वाले पशु जैसे भैंस और गाय खाने के दौरान घास को जल्दी से निकल लेते हैं और इसे हमेशा के एक अलग हिस्से में भंडारित कर लेते हैं यह भाग रोमैन कहलाता है अगला भाग है रोमिनेट्स के तीन उदाहरण लिखिए बच्चों रोमिनेट्स क्या होते हैं जिनके पेट में अलग से अंग होता है उन्हें हम रोमिनेट्स कहते हैं तो इसके उदाहरण आप लिखते हैं रोमिनेट्स के उदाहरण है गाय भैंस भेड़ बकरी आदि अगला प्रश्न है मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता है तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं सेल्योस के पाचन के लिए कुछ जीवाणु की आवश्यकता होती है जो केवल रोमिनेट्स में पाए जाते हैं और मनुष्य में नहीं होते हैं जिसके कारण मनुष्य का पाचन नहीं कर सकता है अगला बच्चों रिक्त स्थान भरे के है घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जंतु जो जुगाली करते हैं रोमिनेट्स कहलाते हैं बच्चों यह हमारे बक्षिश का आखिरी प्रश्न था इसी के साथ हमारे बक्षी यहाँ पर समाप्त होती है आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू